से देखिए ज्योति, अब छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए नक्सलियों की कायराना करतूत से एक बार फिर छत्तीसगढ़ की धरती जो है वो लाल हो गई है। बिल्कुल श्वेता, देखिए अक्सर छत्तीसगढ़ से पहले ऐसी खबरें आती थी जहां पर नक्सलियों की ऐसी करतूत देखने को मिलती थी, लेकिन काफी वक्त बाद एक बार फिर से ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर इन नक्सलियों ने घात लगाकर बैठे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला बोल दिया और इस दर्दनाक हमले में 3 सीआरपीएफ के जो जवान है वो शहीद भी हो गए। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का खौफ, बीजापुर में मंगलवार का दिन अमंगल, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। बीजापुर और सुकमा के सरहदी इलाके टेकल गोडेम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 14 जवान जख्मी हो गए हैं। घायलों को एयरलिफ्ट कर रायपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 15 जवान घायल हैं, 15 में से 8 जवान यहां पे आपने देखे, 4 जवान रायपुर में हैं, 8 जवान यहां पर हैं, 6 जवान जगदलपुर में हैं और 1 जवान बीजापुर के अंदर ही है, तो बाकी घायलों का उपचार चल रहा है वहां पर। जवानों की एक टुकड़ी सर्चिंग पर निकलने वाली थी, इसी दौरान बड़ी संख्या में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद कोबरा एसटीएफ सीआरपीएफ के जवानों ने भी हमले का माकूल जवाब दिया। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव राय ने रायपुर के अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल लिया और कहा कि हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा।